सीवीपी कैप्सूल जो कि बनाई जाती है यूएसपी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है 104 रुपीज़ का। ये 10 कैप्सूल का पूरा स्ट्रिप रहता है जो कि ये कैप्सूल बहुत ही यूजफुल रहती है, जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ये पूरा करती है। वुंड इन्फेक्शन या बॉन्ड के विलिंग में इसको यूज़ किया जाता है। यूरिक एसिड फंक्शन में इसको यूज़ किया जाता है और जनरल एंटीऑक्सीडेंट की तरह इसको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करता है, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है, डोज में सुझा तो कैसे लेने का और इसका सब्सिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको CVP कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस में है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। CVP कैप्सूल जो कि बनाई जाती है USP प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है 104 रुपीज़ का यह पूरा कैप्सूल रहता है, जिसमें 10 कैप्सूल रहती है। ये कैप्सूल जिसके अंदर कंटेंट की बात करूँ तो इसके अंदर विटामिन सी, कैल्शियम लैक्टेज, फेरस ग्लूकोनेट और मोनोआयोडीन्स एंड कोटियस बायोफ्लोनाइट्स इसके अंदर डाला गया है, जो कि विटामिन सी जो कि मेनली बहुत ही यूजफुल रहती है सेल को मॉड्यूलेट करने के लिए और इम्यून रेस्पॉन्स करने के लिए, और इसके अंदर ल्यूकोसाइटिन्स एंड माइक्रोफेज फंक्शनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। न्यूट्रोफिल्स मोटिलिटी के लिए इसको यूज़ किया जाता है और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और विटामिन के जिसको मीनोडाइओडीन्स के नाम से जाना जाता है, जो कि ट्रीटमेंट करती है हीमोग्लोबिन का, ये ट्रीटमेंट करती है विटामिन के की डेमिशियंसी से मॉडरेट सीवियर होता है, जैसे कि हाइपोपैराथायरायडिज्म होता है एडल्ट और बच्चों में। और बायोफ्लोनाइट्स इसके अंदर डाला गया है जो कि क्या करता है कि विटामिन सी का सपोर्ट करता है और ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है और एलर्जी में यूज़ होता है और इंफ्लामेशन कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस कैप्सूल को यूज़ किया जाता है, CVP का यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए विटामिन सी की डेफिशिएंसी के लिए, वुंड का हीलिंग करने और बॉन हीलिंग करने में इसको यूज़ किया जाता है, यूरिन एसिडी फंक्शन में इसको यूज़ किया जाता है और जनरल एज ए एंटीऑक्सीडेंट में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस कैप्सूल के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी हो वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।